नमस्कार, मैं हूँ योगेश राणा और आज का सवाल यह है कि क्या उत्तराखंड चुनाव में इस बार बागी इतिहास रचने वाले हैं। यह सवाल इसलिए बन रहा है क्योंकि 31 जनवरी नाम वापसी की आखिरी तारीख थी। भाजपा और कांग्रेस दोनों के बड़े नेताओं का कहना था कि बागियों को मना लिया जाएगा, लेकिन भाजपा में 15 और कांग्रेस में 7 सीटों पर बागी अभी भी डटे हुए हैं, नामांकन वापस नहीं लिया है, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। यह हाल तो तब है जब भाजपा के 9 बड़े नेता, जिनमें 6 पूर्व मुख्यमंत्री और 1 मुख्यमंत्री है, इस काम में लगे हुए थे। इसके अलावा कांग्रेस में भी कई सारे बड़े नेता है, फिर भी सभी नाकाम रहे। इसीलिए सवाल यह है कि क्या इस बार बागी चुनावी समीकरण को जमीन पर गड़बड़ाने वाले हैं, जमीन पर बदलाव बड़े करने वाले हैं? क्यों दोनों पार्टियों के नेता नाकाम रहे, इस पर बात करेंगे। लेकिन पहले ये देखते हैं कि किस किस सीट पर बगावत बची रह गई। भाजपा में डोईवाला, धर्मपुर, देहरादून कैंट, किच्छा, रानीखेत, धनोल्टी, घनसाली, कर्णप्रयाग, कोटद्वार, रुद्रपुर और भीमताल सीट पर हालात ठीक नहीं है। वैसे तो काशीपुर सीट भी इसी श्रेणी में आती है, और भी एक दो सीट हो सकती है, लेकिन ये मैं मोटी मोटी सीटें यहाँ पर बता रहा हूँ। और कांग्रेस की बात करें तो लालकुआ, रुद्रप्रयाग, यमुनोत्री, रामनगर और घनसाली विधानसभा सीट पर चिंता के हालात है। ध्यान में रखना चाहिए कि लालकुआ से हरीश रावत खुद चुनाव मैदान में उतरे हुए है। वो फेसबुक पर कई बार खुद को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर चुके हैं, लेकिन ना तो वो खुद और ना ही कांग्रेस के अन्य नेता संद डालाकोटी का नाम वापस लेने पर मना पाए हैं। वैसे कहा तो यह भी जा रहा है कि कांग्रेस का ही एक गुट संद डालाकोटी को शांत नहीं होने दे रहा है। किस सीट से कौन बगावत कर रहा है और कौन निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है, यह मैं अपनी कई स्टोरी में बता चुका हूं। उनमें से कुछ जगह मैनेजमेंट हो गया है, लेकिन इस पर कई बार बात की जा चुकी है। इसीलिए अब यह जानना जरूरी है कि आखिर बागी माने क्यों नहीं और भाजपा या कांग्रेस में से किसको कितना नुकसान होता दिख रहा है। सबसे पहले भाजपा की बात करते हैं। घर में कोई भी नाराज होता है तो यह काम बड़ों का दायित्व होता है कि वो उसे मनाए। यह काम बड़ों का होता है और बड़ों की सुनी भी जाती है। इसीलिए पहले यह देखते हैं कि भाजपा में बड़े कौन हैं और उनकी सुनी क्यों नहीं जा रही है। भाजपा में इस समय 1 पुष्कर सिंह धामी, 2 त्रिवेंद्र सिंह रावत, 3 तीरथ सिंह रावत, 4 विजय बहुगुणा, 5 रमेश पोखरियाल निशंक, 6 बीसी खंडूरी, 7 भगत सिंह कोश्यारी, 8 अनिल बलूनी और 9 अजय भट्ट। यानी 9 लोग बड़े हैं। ये केवल प्रदेश के बड़े नेताओं की मैं बात कर रहा हूँ, जो बाहर से दिल्ली से आते हैं, दूसरे प्रदेशों से आते हैं, उनको छोड़ दीजिए। अब इनमें देखें तो केवल बीसी खंडूरी स्वास्थ्य कारणों से एक्टिव नहीं है। फिर ऐसा क्या हो रहा है कि बागी मान क्यों नहीं रहे? दरअसल भाजपा ने पुष्कर सिंह धामी को इस बार खुला मैदान दिया है। आप गौर कीजिए, त्रिवेंद्र सिंह रावत मैदान से हटा दिए गए हैं, निशंक केवल बैठकों में शामिल हो रहे हैं, सीमित रह गए हैं बैठकों तक। अनिल बलूनी पहले उत्तराखंड पर चिंतित दिखते थे, लेकिन करीब 1 माह से शांत है। अजय भट्ट अभी हाल ही में राजकुमार ठुकराल को रुद्रपुर में मनाने आए थे, लेकिन मना नहीं पाए और वापस लौट गए, नाकाम रह गए। विजय बहुगुणा दिल्ली वाले हो गए हैं, उनका ध्यान केवल सितारगंज सीट पर अपने बेटे तक सीमित रह गया है। इसीलिए धामी को खुला मैदान देना कहीं भाजपा को भारी तो नहीं पड़ने वाला है? यह एक सवाल है, क्योंकि उत्तराखंड में राजनीति की यह रीत रही है कि चुनाव के बाद कुर्सी के लिए छीना झपटी शुरू हो जाती है। वह भाजपा हो या कांग्रेस हो, दोनों में यही हाल होता है। इसीलिए धामी का रास्ता साफ किया गया है, मेरा ऐसा मानना है, लेकिन यह भारी पड़ सकता है, ऐसा लग रहा है। अब अगर कांग्रेस की बात करें तो हरीश रावत, यशपाल आर्य, प्रीतम सिंह, हरक सिंह रावत, गणेश गोदियाल, कई सारे बड़े नाम हैं। और यह ध्यान में रखना चाहिए कि तमाम आपसी गुटबाजी के बाद भी ये सारे एक्टिव है। कोई कुमाऊं को देख रहा है, कोई गढ़वाल को देख रहा है, कोई किसी को देख रहा है। आप कुमाऊं में ध्यान दें तो यशपाल आर्य रोज कुछ न कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे चुनाव की राह आसान हो रही है, बाकी भी लगे हुए हैं। यह अलग बात है कि हरक को टिकट नहीं दिया गया है, अगर टिकट दिया जाता तो और भी अच्छा हो जाता शायद। और शायद इसका नुकसान, हरक को टिकट न देने का नुकसान हरीश रावत उठा भी सकते हैं। तमाम कोशिशों के बाद भी संजय डालाकोटी को हरीश रावत मना नहीं पाए, वरना आप खुद ही सोचिए, पार्टी के सबसे बड़े नेता के सामने विद्रोह कौन कर सकता है? यानी पर्दे के पीछे कुछ समीकरण पक रहे हैं। और एक बात और पे ध्यान दीजिए, गौर कीजिएगा, भाजपा में संगठन और कार्यकर्ता चुनाव लड़ते हैं और संगठन और कार्यकर्ता नेताओं से होते हैं, लेकिन मैंने बताया कि प्रदेश के बड़े 9 नेताओं की स्थिति क्या है, ये मैं अभी बता चुका हूं।
वही कांग्रेस में उम्मीदवार खुद चुनाव लड़ता है। ये बेसिक अंतर है दोनों पार्टियों में, वहां पर संगठन ज्यादा एक्टिव रहता है और यहां पे उम्मीदवार ज्यादा एक्टिव रहता है, उम्मीदवार खुद चुनाव लड़ता है, बड़े नेता मदद करते हैं कांग्रेस में। और कांग्रेस में कुछ सीटों को छोड़ दिया जाए तो हर कोई अपना चुनाव लड़ने में बिजी हो चुका है, इसीलिए बहुत कुछ साफ साफ दिख भी रहा है। अब जैसा कि मैंने कहा, कांग्रेस में उम्मीदवार खुद अपना चुनाव लड़ते हैं और हरीश रावत अपना चुनाव खुद ही लड़ रहे हैं, लेकिन चंद्रलाल डालाकोटी को बैठा नहीं पाए हैं, तो यह समझ में आना चाहिए कि चल क्या रहा है। जैसा कि मैं बता चुका हूं, इसीलिए सवाल यह है कि धामी और हरीश रावत में से बागी किसको ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। वैसे सवाल का जवाब आएगा तो मतगणना के दिन ही, लेकिन आज भी अनुमान तो लगाया ही जा सकता है, इसीलिए अनुमान लगाते हैं और इंतजार का जो मतदान मतगणना का इंतजार करते हैं। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।